ये तो फिर हम आप लोग अपने चैनल को विद नाज़िम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो सी वीडियो लेके आई हूँ वो है मक्खन। घर में आप कैसे आसानी मक्खन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा बहुत ही अच्छा मक्खन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, आप लोगों ने पूरा देखना है और लाइक करना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से जो सी वीडियो लेके हाज़िर हुई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है वेदर चेंज हो गया है तो हम लोग मक्खन अमूमन अपने घरों में निकालते हैं, लेकिन वेदर चेंज होने की वजह से लोगों को मुश्किल आ रही है। क्योंकि गर्मियों में जब हम लोग मक्खन निकालते हैं, मतलब लाई है या मैंने यहाँ पर ली है, तो हम लोग इसमें अमूमन ठंडा बर्फ़ वाला पानी जो है वो शामिल करते हैं, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया है तो इसलिए आप लोग फिर वही ठंडा बर्फ़ वाला पानी डाल रहे हैं तो मक्खन नहीं निकल रहा। तो आप लोग परेशान और आप लोगों ने हमें मैसेज किया कि हम लोग अब क्या करें, ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि गर्मियों में तो मक्खन निकल रहा था, अब नहीं निकल रहा। इसकी वजह ये है वेदर, क्योंकि वेदर चेंज हो गया तो अब आप लोगों ने जो सा बर्फ़ वाला पानी नहीं डालना, आप लोगों ने नॉर्मल जो सा पानी है उसका आपने यूज़ करना है। और इसी को मैं जो सा है यहाँ पर जग में डालकर और इसको जो सा है ये नॉर्मल पानी डाल के ब्लेंड करूँगी और जो इंशाल्लाह मक्खन है वो निकल आएगा। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं, ये ले मक्खन इसके ऊपर आ गया है। और अब मैं इसको मतलब चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप लोग जो है मक्खन को निकाल सकते हैं। सिंपली मैंने मलाई इसके अंदर डाली है और वही नॉर्मल टमरचे का पानी मैंने इसके अंदर डाला और ये मक्खन ये देखें कितना गाढ़ा ये निकला है। तो मैं इसको जो है वो डिब्बे में निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ, और अगर आप लोगों को अब जो मुश्किल थी आई होप कि अब वो नहीं होगी, तो अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना ईजिली जो है ये मक्खन निकल आया है। जी तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं, ये देखें मैंने जो सा इसको निकाल लिया मक्खन को और ये जग के अंदर से खाली कर लिए। ये देखें आप इसको इस तरह से निचोड़ के और अब इस तरह ये मैंने सारे का सारा जो सा है वो इस बॉक्स में निकाल लिया, ठीक है ये देखें आप। तो व्यूवर्स आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे, क्यों आप लोग का जो सा है वो मक्खन नहीं निकल रहा था, और मतलब वेदर चेंज होने की वजह से जो सा मसला आ रहा था वो था पानी का। तो आप लोग अब जो सा है इसके अंदर वो बर्फ़ वाला पानी ना शामिल करें, आप लोग इसके अंदर ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह जो सा मक्खन है वो निकलेगा। अब इसको अच्छे से हम लोगों ने जो सा है वो कर लिया है, निचोड़ लिया है, और आप लोग जब इसे फ्रीजर में रखेंगे तो ये बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा। तो व्यूवर्स ये ले मक्खन हम लोगों ने निकाल दिया। तो आई होप कि आपको जो सी आज की वीडियो पसंद है, कि पसंद है तो हमारे चैनल के विद नाज़िम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ये आप लोगों का प्यार हमारी हौसला अफजाई है। तो इस मक्खन को बनाकर एंजॉय करें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। टेस्टी यमी।